अल्लाह ही वबरकत। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिज़्क से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके आपके वबरकत। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिज़्क से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके खानों का प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत करे और इस वबा को, इस बीमारी को हमसे, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं बना रही हूँ कीमा पुलाव। मेरे पास ये 1.5 किलो कीमा है बीफ का, साथ में मेरे पास ये चावल हैं, कायनत चावल हैं मेरे पास 1.5 किलो ही, हाफ के जी, आधा किलो मेरे पास टमाटर है, आधा किलो मेरे पास प्याज है, ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है बड़ी, ये सब्ज़ मिर्च मैंने पीस ली है, अदरक लहसुन है 4 चम्मच, 1 कप दही है, और साथ में मेरे पास ये 1 कटोरी मेरे पास पुदीना और धनिया है कटा हुआ। मैंने इसमें चने भी शामिल करने हैं, लेकिन ये है कि चने मैंने बॉईल करके तो उसको मैंने फ्राई कर लिया है, मेरे पास बीफ स्टॉक भी है, चने मैंने उसी में बॉईल किए हैं। हमारा हो गया है और मैं इसमें टमाटर शामिल करती हूँ, काली मिर्च कुटी हुई है, जीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, बादाम के फूल है, अदरक लहसुन है टिका हुआ, सब्ज मिर्च है, सलाद साहब का शोर भी है साथ कि मैंने बाहर जाना है, उसके बाबा आ गए हैं और वो कह रहा है कि मैंने साथ बाहर जाना है, मैंने आज ही निकलवाया है, 1 किलो है, साथ ही ये मेरे पास जो 1 कप कॉफी था, थोड़ा सा पानी पक जाए, कीमा तो पक चुका है, तो पानी उबल गया है, इसमें चावल आए, चावलों में पानी हिसाब से ही डालना चाहिए, अब हम इसे बांटेंगे, 10 मिनट बाद इसे देखेंगे, हमारे चावल लाओ हमारा तैयार हो गए हैं, मैं इनको दड़के लगाने लगी हूँ, इनके बबल्स बन रहे हैं और मैं चने, मेरे पास एक चने हैं जो कि मैंने बॉईल करके बीफ की ने तो इसको मैंने फ्राई किया है,
पुदीना और धनिया है। ये मैंने रुमाल लगा के दम लगा दिया है। इसके ऊपर मैं ये इसका वजन रखूंगी, कुछ मिट्टी के बर्तन का तकरीबन भी 1 मिनट के लिए मैं आँच तेज़ रखूंगी, उसके बाद मैं आँच को धीमा कर दूंगी और 20 मिनट के लिए मैं इसका दम लगाऊंगी। हाँ जी, हम अब इसको चेक करने लगे हैं। जी माशाल्लाह से हमारा बीफ वाइट पुलाव तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। हमारा सफ़ेद चने और कीमा पुलाव तैयार हो गया। वही दुआ है जो हम हर दफ़ा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वबा को, इस बीमारी को हमसे, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दूर ले जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर, पूरे मुसलमानों पर, दुनिया के मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर अपने घर के, अपनी बरकत वाले घर के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद नबी के खानकाबा के 2 साल हो गए हैं, लोग तरस रहे हैं उमरा करने जाने के लिए। जो उधर हैं वो उधर बन गए हैं, जो इधर हैं वो जा नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुबह को हमसे दूर कर दे, हमारी परेशानियाँ, हमारी तकलीफ़ें, हमारी हमें माफ़ कर दे। गलतियाँ कहीं हमसे हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ़ कर दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन।